200 ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। पुलिस ने तरनतारण जिले के पिंड कीड़िया में लंडा की चारक नाल जायदाद कुरक कर ली है। पुलिस इस मामले में शामिल हुए मुलजम नूं सख्त सज़ा देने लई विज्ञानक ढंग नाल जांच कर रही है। DGP गौरव यादव भी इस मामले लैके काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि मुलजमान ने इंटैलीजेंस हैडक्वाटर से हमला करके पंजाब पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। May 2022 सैक्टर 77 मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया हैडक्वाटर में विदेशों में बैठे अत्तवादियों ने अपने नैटवर्क में शामिल गैंगस्टरों की मदद नाल निशाना बनाया सी। देर शाम हैडक्वाटर की इमारत ते RPGs नाल हमला किया गया। हालांकि हमले के समय दफ्तर छुट्टी ते सी, यही कारण सी कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। हालांकि इमारत को मामूली नुकसान होया है। मोहाली के सोहाणा थाने में इसका बकायदा केस भी दर्ज किया गया सी। पंजाब पुलिस की जांच में हमले में गुआंढी मुल्कां पाकिस्तान और कनेडा की भूमिका का खुलासा भी होया है। सारी साजिश कनेडा में लुके अत्तवादी लखवीर सिंह लंडा ने रची सी। RPG पाकिस्तान तो भेजी गई सी। इस बारे मोहाली के DSP सिटी 2 हरसिमरन सिंह बल का कहना है कि उन्होंने 13 व्यक्तियों खिलाफ़ चलान पेश किए हैं। जदों मामले की जांच अगे बधी तो मामले में 2 होर लोगों के नाम सामने आए। आने वाले समय में उन्हां खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्हां दस्सिया कि इस तो पहला हमले में शामिल नाबालग मुलजमान का गेट टैसट भी करवाया गया सी। कुर की जायदाद तरन तारण के माल विभाग वालों तस्दीक की गई सी। तरन तारण के DC ने जायदाद के वेरवे भेजे सन। इस तो बाद पंजाब पुलिस ने उक्त जायदाद कुरक कर ली सी। इससे पहला NIA ने अत्तवादी की कुछ जायदाद भी कुरक की सी। खरड मोहाली हाईवे से अचानक एक सड़की हादसे में जाम लग गया। पुलिस मुताबक कई वाहनों की अचनचेत टक्कर हो गई, जिस तों बाद हंगामा हो गया और जाम लग गया। आपस में लोग लड़ते हुए नजर आए। फिर की सी, पुलिस ने पिछ बचाले पै के इन्हों का समझौता कराया तो कई घंटों बाद जाम को खुलवा दिता गया। मैं पुलिस चौकी सनी ड्यूटी ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मिली थी भी उत्थे जाम लग गया है। तो मौके पर पहुंचे हैं, पहुँच के जाके एक बस सी तो 2 गड्डियां दे नाल उहदा एक्सीडेंट होया सीगा। फरदर थोड़ा अगे जाके 2 कारां दी आपसी टक्कर सी। मौके की नज़ाकत देख जाम तुरंत खिलाया तो ट्रैफिक को फिर चल सुचारू ढंग चलाया अगे। बस इन्ना की सीगा, होर तो ज़्यादा कोई गल नहीं। अज मोहाली में 3 व्हीलर की पुलिस ने चैकिंग की गई, जिस बाबत DSP हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि आटो चलाने वाले ट्रैफिक निजमां दा उलंघना करते हैं तो कोई भी ध्यान नहीं रखता। इस करके इन आटो चालकों को समझाया गया है तो चलान भी कट्टे जा रहे हैं। श्री बल ने कहा कि बिना वर्दी तो कोई भी आटो नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि वर्दी के नाल जेब ते नेम प्लेट भी होनी जरूरी है। बेसिकली ना जी, अज साडा मेन फोकस सीगा 3 व्हीलर ते, क्योंकि इन्हां एक तो चलाउण दा नहीं सिस्टम, बड़ी की कहिंदे रैश ड्राइविंग करते हैं। इन्हां नूं अज असीं एक बार समझाया भी है सारिआं नूं ला के, ते एक गल इन्हां नूं बड़ी क्लीयर दस दित्ती है भी आप दे माध्यम राहीं भी असीं तुहानूं इहदे आम जिहड़े ऑटो चलाउंदे आ उन्हां नूं दसदी है भी वर्दी होनी चाहीदी है, नेम प्लेट होनी चाहिए है, तो ओवर स्पीडिंग जे कोई करता होगा तो जेडे वैसे गाड़ी दे सारे डॉक्यूमेंटेशन ते ड्राइवर को लाइसेंस होगा, जेडिया सारिया इंस्ट्रक्शन भी इन्हों दी जिदा कि चंडीगढ़ दे विच जेड़ा डॉक्टर लखविंदर ने एपीसोड होया सीगा, तो वो मतलब तुसी ये वेखो भी उन्हों वेख के वीडियो तो ऐ लगता भी जिदा पिछों लिया के बंदे को इन्नी ओवर स्पीडिंग कर रहा है कि वो को कंट्रोल भी नहीं हो। अपने 10-15 चलान साढ़े अजे हो चुके हैं, तो बाकी अजे सारे असी वेखो सारे पासे असी रोके हुए हैं। सारे दी असी अज ब्रीफ भी कर दिता है भी बिना वर्दी तो कोई भी ऑटो नहीं चला सकूगा मोहाली दे विच, खास करके मानयोग SSP साहब दी हदायतें ते सारिया उच्च अफसर दी हदायतों से कोई भी बंदा बिना ड्रैस तो बिना अपनी जिहड़ी हैगी है प्लेट नेम प्लेट तो नहीं मतलब उन्होंने चलाना, तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है।
यही इस करके असीं जिहड़े अज 15 चलान हुण तक असीं कर चुके हैं ते यही अज असीं इहदा ते ही फोकस चल रहा है साडा बाकी किते उहदा नहीं। जिदा जेकर एहो जी कोई गल आऊगी तो वह असी बाउंड कर रहे हैं, कई असी ये थ्री व्हीलर परमानेंट बाउंड भी कर रहे हैं, जेदे के जे कोई होर जे वो को लाइसेंस वगैरह नहीं होंगे एक बार तो लाइसेंस दे दूगा दूसरी बार वो कितों लियाऊगा, इस करके असी अज पर्टिकुलर ये क्या भी की कहें वो लाइसेंस अपना डॉक्यूमेंटेशन वेख के तो बाद ही वो किया जाऊगा। हाँ जी किए जी, हाँ जी 3-4 हूँ तक हो चुके हैं, बाकी अजे वेखते हैं शाम तक। थाना गिदड़बाह पुलिस ने लुटा खोह कर दी योजना बनाते हुए एक गिरोह के 5 मैंबरों को काबू करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP जसबीर सिंह पन्नू और SHO इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह ने दसाया कि ASI सरबजीत सिंह मुखबर पासों सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो लुटा खोह से डकैती करते आदि हैं, उन्होंने दसाया कि उक्त चोरियों में पहला नामलूम व्यक्तियों विरुद्ध दर्ज मुकदमे उकतान दोषियों नामित किया गया है। उन्होंने दसाया कि कथित दोषियों में पवन कुमार से पहला चोरी और लुटां दी खोहां दे मामले दर्ज हैं। माणयोग SSP मुक्तसर श्री भागीरथ मीना सिंह जी वालों चोरों ते नशा दे संबंध में निम चलाई गई है, जिस दौरान साढ़े SHO गिदड़बाह वालों अलग अलग जगह पर नाकाबंदी की गई, तो इन्हों के दिशा निर्देश माणयोग SSP के दिशा निर्देश तहत कल साडा नाकाबंदी की सी। सरबजीत सिंह ASI ने उन्होंने मुखबर खास ने इतलाह दिती कि कुछ लोग ने जिहड़े नंबरदार पही देते खड़े ने डाका मारन की तैयारी दे विच ने, जिसते ASI सरबजीत सिंह पुलिस पार्टी समेत नंबरदार ने पही गिदड़बाह दे इलाके दे विच नाकाबंदी की। नाकाबंदी करन तो बाद उत्थे पवन कुमार पुत्र सुरेश कुमार वासी पिछोमंडी, सोनू कुमार पुत्र विनोद कुमार वासी मानसा, धर्मवीर पुत्र राजू वासी गांधी बस्ती मौड़ मंडी, सोनू पुत्र दिनेश वासी जोधपुर कंचियां मौड़ मंडी, करण कुमार पुत्र सुरेश कुमार वासी नेड़े बुरजा फाट मलोह लुट खो करन दे आदि ने, जिसते सरबजीत सिंह ASI ने मुकदमा नंबर 130/5/10 अंडर सैक्शन 399 402 IPC थाना गिदड़बाह दर्ज कराया। तो जो उत्थे रेड किया ये बंदे जिहड़े मारू हथियारां दे नाल लैस सी, जिन्हां दे कोल तरफान कापा लोहे दीआं रड़ां ते एक पाइप जिस दे सिर पर गरारी जिहड़ी फिट कीती साइकल वाली वह इन्हां तों रिकवर कीती, इन्हां दी गिरफ्तारी पाई। दौराने पुछगिछ इन्हां ने कुछ समा अरसा पहला गिदड़बाह दे विच चोरियां होईयां सी, जिन्हां संबंधी इन्हां ने इंसाफ कीता कि असी ये अलग अलग टाइम ते जिहड़े आ जिहड़ियां चोरियां सी वो असी कीतियां। पुलिस नाल पैदा होए वकील भाईचारे दी विवाद विच शिकायतकर्ता वकील वल्लों इकल्या ही पुलिस नाल समझौता करन उपरंत यह मामला बीते कल ही खत्म हो गया। इस विवाद दौरान एक वकील वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान ऐसी श्रेणी नाल संबंधित समाज सेवी परविंदर पातशाह दे इतिहास प्रति अपमानित टिप्पणियां करन दा मामला लगातार तुल फड़दा होया नजर आ रहा सी। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कुछ वकीलों ने मेरे प्रति अपमानजनक शब्द बोले, मेरे जाति परखी और मेरे सच्चे सुचे इतिहास से टिप्पणी की। इस संबंधी मैं परसों माणयोग जिला ते सैशन जज साहब नूं भी एप्लीकेशन दे के आया, कल DC दफ्तर असी रोस प्रदर्शन करके पुतला फूकिया, तो अज असी पिंड भागसर जिहड़ा पुतला फूकिया हैगा, तो जिन्ना चिर वकीलों के दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी, क्योंकि सारे जिला प्रशासन नूं एक एक गल का एक एक राई राई पता भी पाशे का अपमान होया हर एक नूं पता, पर जिहड़ा जिला प्रशासन है पुलिस है वह परचा पता नहीं मैनूं नहीं पता क्यों नहीं कर रही, पर भावें वह महीना ना कर भावें साल ना कर, मैं हर रोज़ जिले के वख वख पिंडां दे विच जिहड़ा इन्हां वकीलों के ते चिट्टे ते चिट्टे दे समर्थकों के पुतले फूकदा रहूँगा। भाई कल्याणा जी तो लैके
भाई जैता जी और बाबा वीर सिंह, बाबा धीर सिंह, बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह, भाई लंगर, बाबा लंगर सिंह जी वर्गे अनेक जड़े साडे योधे है जिन्हां दी कुर्बानियां भरिया इतिहास है। तो ये वकीलों ने जिहड़ा मे साडे इतिहास ते टिप्पणी करके साडे धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाई है और मैनूं जाति सूचक शब्द बोले है। इस करके जिहड़े धार्मिक भावना 295 ए ते SC ST एक्ट दा जिन्ना चिर इन्हां दे खिलाफ दोषियों के खिलाफ परचा नहीं दर्ज हुंदा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह की ED वालों गिरफ्तारी तो बाद फाजिलका जिले में आम आदमी पार्टी के वर्करा ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकया। इस मौके आप आगुआ ने भाजपा ते केंद्र सरकार नूं जम के कोसिया। उन्होंने कहा कि भाजपा किड़ कड़ रही है ते आम आदमी पार्टी के सीनियर नेतावां नूं झूठा फसा रही है। जाति का विरोध किया गया क्योंकि पिछले साल उन्होंने साढ़े जिहड़े उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी दे उस केस दे विच इन्हां नूं इन्हां दे नाल टैंगल कीता है क्योंकि उन्हां नूं जे अगर उन्हां दे विच कोई रोल हुंदा ते संजय सिंह नूं पहलां वी गिरफ्तार कर सकदे सी। ये सिर्फ वह अपनी हार मन के उन्हां तों अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वास्ते जिहड़ा इह जिहड़ा आम आदमी पार्टी नाल पंगे लै रहे नूं असीं अज्ज आम आदमी पार्टी वल्लों उन्हां दा जिहड़ा स्यापा करन इत्थे पहुंचे हैं और जिहड़ी ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2024 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਵਾਈਸ ਯੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ED ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ED ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ED ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਦ ਹੈਗੇ ਆ, MP ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਅਕਸਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ 10-12 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਵਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਹੈਗੇ 10-12 ਜਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਵਨਦੀਪ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उपर ईडी की कार्रवाई विरुद्ध गुरदासपुर के डाकखाने आम आदमी पार्टी के चेयरमैन रमन बहल और हलका इंचार्ज शमशेर सिंह की अगुवाई केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध रोस प्रदर्शन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया। गल बहुत स्पष्ट आ कि साढ़े हिंदुस्तान दे विच दी जमहूरीयत दीआं जड़ां बहुत डूंघीआं ने, पर अज अफसोस नाल कहना पैंदा कि अज साढ़े मुल्क दे विच जमहूरीयत दा कान हो रहा। और जमहूरीयत की खूबसूरती यह आ कि जिथे सत्ता जरूरी है, पावर जरूरी है, उत्ते विरोध और डिसेंट होना भी जमहूरीयत लई बहुत जरूरी है। जे आपां जरूर जमहूरीयत नूं लोकतंत्र नूं कामयाब करना तो फिर सानू विरोधियों की गल सुननी पेगी। अज अफसोस यह आ कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर जदों तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए ने, इन्होंने जिहड़ियां साडियां संस्थावां सन उन्होंने भी कमजोर करके रखता। और इत्थे ही नहीं, अज जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच एक शराब घोटाले नूं लैके गल चली आ और जिहदी कोई सदाकत नहीं आ, जिहदा कोई बेसिस नहीं आ, उहदे विच लगातार ये पोलिटिकल वेंडेटा रख के आम आदमी पार्टी के लीडर्स नूं अरैसट कर रहे ने। सब तो पहला इन्होंने साडे मनीष सिसोदिया जी, जिन्हां ने इस मुल्क नूं तलीम दा एक नवां मॉडल दिता, उन्होंने घर कई तरह के छापे हुए, उन्होंने लॉकर नूं चैक किया गया, उन्होंने नेटिव पिंड च जाके सर्च किया गया, कुछ नहीं मिलिया, उहदे बावजूद भी उन्होंने केस पा के जेल च करता। उस तो पहला सतिंदर जैन जी नूं करता, और हुण संजय सिंह जो एक बुलंद आवाज सी राज्यसभा दे विच, जिहड़े हिंदुस्तान दे लोकां दी जज्बातां दी तर्जमानी बहुत बखूबी दे नाल राज्यसभा च करदे सीगे, और उत्थे मोदी जी दीआं ओह कमजोरियां, भाजपा दीआं ओह कमजोरियां नूं उजागर करदे सन, और ओह दसदे सन वी किस तरीके दे नाल मुल्क दे विच भ्रष्टाचार दा जोर आ उहनूं बेनकाब करदे सी, उहनां मुद्दिआं नूं लै के बोलदे सी। अज उहनां ते वी ईडी दा रेड हो गया, और तुसीं हैरान होवोगे कि ईडी दे रेड दे विच उहनां दा चार घर दा कमरा कुछ नहीं मिलिया, उन्होंने बाकी थावां के उपर भी छानबीन की कुछ नहीं मिलिया। और सिर्फ इस करके भी उन्होंने आपां क्योंकि वह बोलते हैं, मोदी जी दीआं जिहड़ियां खामियां ने वह दसते हैं, किसी वक्त यह पार्लीमेंट वह होंदी सी जिते पंडित जवाहर लाल नहरू वर्गे बंदे डिसेंट नूं बुला के करदे सन, पर अज हौली हौली निगार आ गया, और अज हालात यह बन गए भी जिहड़ा आदमी बोलता उहनूं फड़ के ईडी और सीबीआई नूं इस्तेमाल करदे ने। अज आम आदमी पार्टी की कॉल से सारे पंजाब दे विच रोस प्रदर्शन हुए ने, अज साडी भी साथियों ने वलंटियर्स ने लीडर साहबान ने मिल के ये रोस प्रदर्शन किया, और असीं एक आवाज बुलंद की आ। पंजाब की ई गवर्नेंस अधीन खन्ना च ई चलान की सहूलत शुरू कर दी गई है, 10 मशीनां ट्रैफिक पुलिस नूं दित्तियां गई हैं, मौके पर ही चलान भुगतिया जाएगा, अदालतों के गेड़े हुण नहीं लाने पैणगे। इसकी शुरुआत अमलोह चौंक तो की गई, नियमों की उलंघना करने वाले के चलान कट्टे गए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज परमजीत सिंह बैनीपाल ने कहा कि SSP अवनीत कौंडल के हुक्म अनुसार पुलिस जिला खन्ना अंदर ई चलान शुरू किए गए हैं। ई चलान के मौके पर ही निपटारा किया जाएगा, जिहड़ा भी ऑफेंस लगेगा, ट्रैफिक रूल की उलंघना करेगा, जिहड़े तरह की उलंघना करेगा उस तरह का ऑफेंस मशीन के आ जाना, मौके पर भरया जाएगा। किस तरह वर्किंग करेगी मशीन जी, किस तरह काम करेगी जी, रोक के जी अभी वहीकल पहले फोटो खिंचा, फिर वह सारा बायोडाटा पा के ऑफेंस दिखा, भी ऑफेंस लाया ने उन्हें, फिर अपने आप सू दसा भी इन्ना जुर्माना ई गूगल के जरिए या कार्ड के जरिए पेमेंट लेंगे जी, ये सीधा गवर्नमेंट के खाते जाएंगे जी पैसे। पुलिस की पब्लिक की कि खज्जल खुआरी वजू है ये जी, पब्लिक नूं बहुत सौखा काम होगा जी, कचहरियां च गेड़े मारन नालों कचहरियां दा काम भी घटूगा ते पब्लिक लई भी सौखा हो गया काम। फरीदाबाद के तिलपित इलाके में कर दी तीजी मंजिल तो लंघ रही 11,000 हाई वोल्टेज बिजली दारा के संपर्क में आने नाल 11 साल मासूम बच्चा बुरी तरह के झुलस गया, जिसनों तुरंत फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल हस्पताल में इलाज दाखिल करवाया गया। हस्पताल लिया जिथे डॉक्टर ने उसू मुढ़ी सहायता देने तो बाद उसू गंभीर हालत वेखते हुए दिल्ली के ट्रामा सेंटर लिए रैफर कर दिया गया। क्या नाम आपका? हंसा। क्या हुआ है बेटे को? करेंट लग गया। कैसे? लाइन से। कहाँ पर रहते हो? ये रहते तिलपित। तो
तीसरी मंजिल पे था ये? तीसरी मंजिल पे था ये। तीसरी मंजिल पे लास्ट में मकान था, ऊपर से हाई टेंशन जा रही है। ऊपर से हाई टेंशन एकदम बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा, मकान से मकान भी थोड़ा पलट गया। मकान मालिक ऐसा है बिल्कुल सटा के बनाया मकान, इतना लाल चाहिए वो तो जगह भी ठीक नहीं है। तो ये जो ट्यूशन से आया था उस समय, ट्यूशन से आया था धमाका हो गया जोर से, दोस्तों इस सुनाई खबर कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल। तब तक कुलवंत सिंह गिल इजाजत दे दियो, रब रखा।